नमस्कार, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं। राजस्थान के सवाई माधोपुर में विजयदशमी का त्योहार जिले भर में जहां सादगी से मनाया गया, वहीं सवाई माधोपुर शहर स्थित नगर रामलीला मैदान में आयोजित रावण दहन के आयोजन से प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही देखी गई है। जब प्रशासनिक अधिकारियों के सामने ही हजारों की संख्या में भीड़ एकत्रित हो गई और पुलिस से लेकर प्रशासनिक अधिकारी हाथ मलते ही रह गए। जिला प्रशासन की ओर से बड़े आयोजन की अनुमति नहीं होने के बावजूद सवाई माधोपुर शहर में नगर रामलीला मंडल द्वारा आयोजित भव्य रावण दहन का आयोजन किया गया है। कोरोना गाइडलाइन के तहत बिना मास्क के हजारों की संख्या में भीड़ का मैदान में प्रवेश को रोकने के लिए मात्र 8-10 पुलिसकर्मी। इस भीड़ को देखकर अंदाजा लगा जा सकता है कि अगर कहीं कोई अनहोनी या भगदड़ मच जाती तो प्रशासन को जवाब देना भी मुश्किल हो जाता। आश्चर्य तो इस बात का है कि जहां दशहरा ग्राउंड में रावण दहन का आयोजन होता है, ऐसे बड़े ग्राउंड में तो प्रशासन ने परमिशन नहीं दी। इस बारे में आयोजन समिति से लेकर जिला प्रशासन तक से बात करने की कोशिश की गई, लेकिन कोई भी इस आयोजन को लेकर हमसे बातचीत करने को भी तैयार नहीं है। सवाई माधोपुर से संवाददाता महेश सोनी की रिपोर्ट।